डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग 13.1 को क्लियर कर लिए हैं। तो आइए 13.2 एक्सरसाइज 13.2 NCERT के बुक से हम लोग क्लियर करते हैं क्वेश्चंस को। जैसा कि आप जानते हैं, 13.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखा दें तो लिखा हुआ एक कलमदान। कलमदान का मतलब ऐसा आप ऑफिस में देखे होंगे कि एक घनाभाकार टुकड़ा होता है और कलम को रखने के लिए यहाँ पे गड्ढे बनाए जाते हैं। जितने कलम रखने हो उतने गड्ढे बनाए जाते हैं। ये स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिस में ये रखा हुआ होता है। तो एक कलमदान है, घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। याद रखिए, सबसे पहले एक घनाभ है। अब घनाभ कुछ इस तरीके से है, आपको फिगर दिखा दें। ठीक है, ये हम लोगों को घनाभाकार ये है। अब इसके ऊपर ये जो है ना, ऊपर 4 गड्ढे हैं। अब ये जो 4 गड्ढे हैं ये कैसे हैं भाई? तो शंक्वाकार, जिसमें हम लोग आराम से कलम को रख सकते हैं। अब ये जो गड्ढे हैं, ये पहले तो घनाभ के आकार का लकड़ी है, ठीक है। अब इस घनाभ के आकार का लकड़ी है, इसमें बोला जा रहा है कि 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। शंक्वाकार गड्ढे मतलब ऐसा करके गड्ढा है, आपको दिखा दें, कलम को रखने के लिए इस तरीके से गड्ढा है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है कि घनाभ को की विमा 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यानी घनाभ के लिए हमको दिया है। घनाभ के लिए लंबाई L का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, B का वैल्यू 10 सेंटीमीटर एंड एच का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। जब कभी भी आपको इतना गुना करके लिखा हुआ रहता है तो समझिए एल है, फिर बी है, फिर एच है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए, प्रत्येक गड्ढा का त्रिज्या यानी कि शंकु का त्रिज्या आर का वैल्यू दिया है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। गहराई का मतलब यही ना, शंकु का ऊंचाई h बराबर 1.4 सेंटीमीटर, यानी घनाभ के लिए l, b, h दे दिया। अब जरा शंकु के लिए बात कर लेते हैं कि जो शंकु का त्रिज्या दिया है r का वैल्यू वो 0.5 सेंटीमीटर है और h का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर है। ये शंकु के लिए हम लोगों को दिया हुआ है। तब क्या बोला जा रहा है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछ रहा है कि लकड़ी का आयतन कितना है। तो भाई, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन के लिए हम क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पूरा घनाभ के आयतन में से, घनाभ का आयतन में से घटा देंगे किसको भाई? तो शंकु कै गो है? 4 गो। तो 4 गुने शंकु का आयतन। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लकड़ी का पूछ रहा था, तो ये तो गड्ढा है ना, गड्ढा गड्ढा बनाया हुआ है, तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए उस गड्ढा को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कै गो ऐसा ऐसा गड्ढा है, कै गो शंकु है? तो 4 गो। तो घनाभ के आयतन में से 4 गुना शंकु के आयतन घटा लेंगे। तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। हम आपको बता चुके हैं घनाभ के आयतन एल बी एच माइनस 4 इंटू। शंकु का आयतन याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप इसको खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, एल के जगह पे रखिएगा 15, बी के जगह पे रखिएगा 10, एच के जगह पे 3.5।
तीनों को गुना कर लेना है, माइनस फोर को वन से, तो फोर बाई थ्री लिख दीजिएगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर और गुना में h यानी कि 1.4। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जितना सॉल्यूशन करके आएगा इसमें से इसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। जैसे ही माइनस करेंगे तो हम लोगों को लकड़ी का आयतन आ जाएगा, वही हो जाएगा हम लोगों को आंसर। तो ये बहुत इजी वे में क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा था। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है जरा इसको समझिए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखिए इस बार क्या बोला जा रहा है कि एक शंकु बनाया गया है इस तरीके से, एक शंकु का आकार का बर्तन है, ठीक है आप देखते चलिए, एक शंकु का आकार का बर्तन है जो उल्टा शंकु के रूप में लिखा है, तो इसको उल्टा शंकु के रूप में रखे हैं। ये जो है ना, ये वाला भाग खुला है, ध्यान दीजिएगा ये खुला हुआ भाग है, यहाँ पे ऊपर से बंद नहीं है, ये खुला हुआ भाग है ऐसा बोला जा रहा है। ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है, जी हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर बात करें तो इसका ऊंचाई एच का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला जा रहा है, इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो खुला हुआ सिरा है इसकी त्रिज्या आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोल रहा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, याद रखिएगा इसमें हम लोग क्या भरे हुए हैं, इसमें हम लोग पानी भरे हुए हैं, लेकिन पूरा फुल पानी भरा हुआ है। अब क्या कह रहा है, शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, शीशे की गोलियां डाली जाती है, जैसे कि मान लिया एकदम गोल होगा, ये है शीशे की गोलियां, ठीक है, ये है शीशे की गोलियां, ये हम लोगों को शीशे की गोलियां, क्लियर। अब इस बर्तन में जो पानी से भरा हुआ है क्या करना है, एक शंकु है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, इसमें हम लोग पूरा फूल करके पानी भरे हुए हैं, अब इसमें शीशा की गोली को डाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शीशे की गोलियों कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला है, याद रखिएगा इसका गोले का त्रिज्या हमको पता है 0.5 सेंटीमीटर, ये गोला के लिए दिया है त्रिज्या, ध्यान रखिए दो गो आर का मतलब जहां गोला यूज करेंगे वहां आर के जगह पे 0.5 और जहां शंकु यूज करेंगे वहां आर का जगह पे 5 सेंटीमीटर डाली जाती है। इसमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है, याद रखिए सवाल, मान लीजिए कि माना कि शीशे की गोलियों की संख्या, बराबर x, कै गो संख्या है भाई, x गो। अब सवाल में प्रश्न से क्या बोल रहा है कि इसमें जितना पानी भरा हुआ है शंकु में उसका एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, तो इसका एक चौथाई का मतलब क्या हुआ, 1/4 गुने शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु में ना हम लोग पानी भरे हैं तो शंकु का आयतन, सवाल में बोला ही है कि एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, कौन सी, पानी, तो पानी कहाँ भरे हैं, शंकु में, तो 1/4 गुने शंकु का आयतन बराबर कै गो गोल शीशा की गोली है, x, और जब ए गो का गोली के आयतन, गोले के आयतन, याद रखिएगा x क्यों किए हम लोग, क्योंकि गोला ए गोना है, शीशा का गोला का ए गो का त्रिज्या दिया है 0.5, ऐसा गोला हम कितना माने हैं, x, तो x गुने गोले के आयतन। अब क्या करना है, 1/4 गुने
शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr² h इज इक्वल टू x गुने गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। अब हम आपको दिखाते चले, यहाँ 1/4 है तो यहाँ आप रखिए 1/4, यहाँ क्या है 1/3 तो 1/3, पाई के जगह पे 22/7 r² देखिए ये जो r है ये शंकु का r, तो शंकु का त्रिज्या कितना है 5² गुना h, तो h का बात कर रहा है तो शंकु का ऊंचाई 8 है बराबर x गुना 4/3, तो यहाँ 4/3 कर दीजिए गुना पाई, पाई का वैल्यू 22/7 गुना r, तो ये r किसका गोले का, तो गोले का 0.5³। आपको क्या करना है यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेना है जितना आएगा, चाहे तो सिंपल तो दिख रहा है भाई 22/7 और 22/7 इधर कट जाएगा और 1/3 यानी कि नीचे वाला तीन कट जाएगा, तो इधर बच रहा है कौन सी 1/4 गुने 25 गुने 8 बराबर एक्स गुना 4 गुना 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। अब क्या करना है इसको आप 4 × 8 तो यहाँ हो जाएगा 50 बराबर यहाँ हो जाएगा 5×5 = 25 और 25×100 = 1 यानी कि इसको आप गुना कीजिएगा किसको तो आप इसको यानी कि 4 0.5 0.5 0.5 तो कुल मिलाकर आ जाएगा आपको 0.5x, ठीक है, यानी सबको आप गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 0.5 ही आएगा, ठीक है। अब 0.5x आएगा मतलब 4 × 0.5 × 0.5 × 0.5 को अगर 4 से कीजिएगा, ठीक है, तो 4 से करेंगे तो हम लोगों को कितना आएगा 0.5, क्यों, क्योंकि 5×5 = 25 0.25 हो गया, अब 0.25 को 4 से तो 1 आएगा, 1 को इसको करेंगे तो 0.5, इसलिए आप x का वैल्यू निकाल दीजिएगा 50 में 0.5 से भाग कर दीजिएगा तो ये पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 चल जाता है और 5 से हो जाएगा 100 यानी कि गोली की संख्या कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है। 6 नंबर अगर आपको हम क्वेश्चन दिखाएं तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 मीटर और त्रिज्या 8 मीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, पाई का वैल्यू कितना यूज करना है 3.14। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको इसको फिगर को समझना पड़ेगा क्या बोला जा रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। देख लीजिए यहाँ पे ना एक इस तरह से हम लोगों को बेलन है, कैसे है तो एक तरह का बेलन ये हुआ, सवाल पढ़िए ध्यान से, तो आपको लिखा हुआ है कि एक बेलन है जिसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ये 220 सेंटीमीटर ऊंचाई है और आधार का व्यास यानी कि आधार का व्यास कहने का मतलब ये वाला नीचे वाला, ठीक है, ये वाला हम लोगों को टोटल आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, नीचे वाला का बेलन। अब क्या बोल रहा है कि इस पर भी एक और बेलन स्थित है जिसका ऊंचाई, एक और बेलन स्थित है, देखिए ये हम लोगों को एक और बेलन है जो इसी पर रखा हुआ है, इसका ऊंचाई दोस्त हम लोगों को दिया हुआ है कि इसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, यानी ऊपर वाला बेलन का ऊंचाई,
तो ध्यान दीजिए, अब ऊपर वाला जो हम लोगों को एक और बेलन स्थित है, इसका त्रिज्या हम लोगों को दिया हुआ है कितना भाई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे दो तरह का बेलन है, एक नीचे वाला बेलन जो कि काफ़ी मोटा है, और एक पतला वाला बेलन उस पर रखा हुआ है। यानी कि हम जो मोटा वाला बेलन है, बड़ा वाला बेलन है, तो बड़े वाला बेलन का आप मान लो त्रिज्या कितना होगा। तो बड़े बेलन के लिए हमें व्यास दिया हुआ था कितना, 24 सेंटीमीटर। इसलिए इससे त्रिज्या निकाल दीजिए, तो त्रिज्या आधा होगा, तो 24 का आधा कितना, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 12, इसको आप R1 मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। और इस बड़े वाले बेलन का ऊंचाई, यानी इसको आप H1 बोल दीजिए, कितना दिया है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 220 सेंटीमीटर हम लोगों को नीचे वाला का आ गया। अब छोटे बेलन का बात कीजिए, छोटे बेलन के लिए तो सीधा सीधे हमको ऊंचाई दे दिया, इसके लिए ऊंचाई दिया, आप इसके लिए आप H2 बोलो। अरे H1 भी एक तरह का ऊंचाई है, तो H1 कहने का मतलब बड़ा बेलन, और H2 कहने का मतलब छोटा बेलन, तो इसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दिया है। छोटे वाला बेलन का त्रिज्या, इसको आप R2 कह दो, सीधा सीधी 8 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर, अब क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चंस को देखिए। बोला जा रहा है कि लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि कितना इसका द्रव्यमान होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। ध्यान रहे पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, यानी कि इसमें आपको पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, 3.14। चलिए, तो अब हमको पूरे स्तंभ, एक तरह का स्तंभ बनाया गया, तो स्तंभ का आयतन निकालिए, स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ का आयतन निकालने के लिए बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन, दोनों के आयतन को जोड़ देंगे, सिंपल है। तो आप यहाँ लिखिए, बड़े बेलन का आयतन, आ और जीरो लिख दे रहे मैंने आयतन, प्लस छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, और बेलन का आयतन चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे कर दीजिए पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े वाला बेलन के R1 लिखे हैं और H1 लिखे हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पाई के जगह पे रखना है 3.14, R1 के जगह पे रखना है 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, H1 के जगह पे आप रखिएगा 220 सेंटीमीटर। इसका मान निकाल लीजिएगा, फिर इसका मान निकाल लीजिएगा, पाई का वैल्यू 3.14, R2 का मान, R2 के मान 8, तो 8 का स्क्वायर यहाँ 64 हो जाएगा, H2 तो H2 कितना, 60। अब दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा अब कुल द्रव्यमान, स्तंभ का कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो स्तंभ का कुल द्रव्यमान जितना सेंटीमीटर क्यूब यहां आएगा उसको कर देना है 8 ग्राम से गुना, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये दोनों के जोड़ने पर उसको कर देना है 8 ग्राम। तो जब आप गुना कीजिएगा तो गुना करके कुछ ही में आएगा, ग्राम में आएगा, और वो ग्राम में भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर केजी में बदल के भी आंसर कर सकते हैं। तो केजी में बदलने के लिए फिर 1000 से भाग कर दीजिएगा, तो वो ग्राम में नहीं रहेगा, वो केजी में हो जाएगा द्रव्यमान। तो इस तरीके से आप इसका आंसर खुद से लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आंसर नहीं आता है दोस्त, फिर हम आपको हिंट्स के तौर पे या फिर इसको बताएंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो आप पहले इसको अच्छे से इसको कैलकुलेशन करिए, जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको फिर 8 से गुना करना है द्रव्यमान निकालने के लिए, और 8 से करेंगे तो ग्राम में आएगा। तो देख लीजिएगा कि आंसर किस में है, ग्राम में होगा तो ग्राम में छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो केजी में होगा तो 1000 से उसको भाग कर दीजिएगा,
पॉइंट में कुछ केजी आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्त हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 6 तक के। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।